फाइनली पहुंच गया यहाँ पे। अभी यहाँ से 9 नंबर बस पकड़ेंगे और कुलाबा जाएंगे। गेट ऑफ इंडिया के लिए 9 नंबर बस जाती है। अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे और चलते हैं। अभी बस स्टॉप पे बैठ के बस का वेट कर रहे थे। यहाँ से हम लोग को मिलेगी बस 9 नंबर CST से 9 नंबर बस मिलेगी, जो हम लोग को कुलाबा लेके जाएगी गेट ऑफ इंडिया और ताज होटल के पास। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, चलते हैं कुलाबा, आपको दिखाएंगे ताज होटल। बस तो मिला नहीं, फाइनली कैब करना पड़ा शेयरिंग वाला। हमारा 1500 रुपया खर्चा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। लगता है कोई फॉरनर है, जैपनीज लग रहे हैं। इंडिया की शान ही कुछ और है, लोग विदेश से भी घूमने यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छी बात है। अंकल जी लगता वर्ल्ड टूर पे निकले क्या है, लोग पूरी पलटन लेके आए यहाँ पे। ओहो सामने ताज होटल भी दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्दी है, बहुत ही ज़्यादा गर्दी है, संडे की वजह से बहुत ज़्यादा गर्दी है। पीछे क्या भाई, अंग्रेजों को दागने के लिए बनाया क्या? द ग्रैंड होटल ताज, भारत का सबसे पहला 5-स्टार होटल्स। 1906 में शायद इसको बनाया गया था। रतन टाटा साहब की सारी संपत्ति में सबसे बहुमूल्य संपत्ति यही है। बहुत पुराना हो गया है, देख रहे हैं अंदर के लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा हम भी देख लें। गेट ऑफ इंडिया के अंदर का जो चारों तरफ से देखते क्या दिखता है। तो यहाँ से एलिफेंटा जाने के लिए बोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ से आप लोग एलिफेंटा भी जा सकते हैं, यहाँ से समुद्र के रास्ते से बोटिंग करके। तो 280 रुपये टिकट है यहाँ से बोटिंग के लिए एलिफेंटा जाने के लिए। चलिए चलते थोड़ा ताज देख लें करीब से। मुझे तो यहाँ से मतलब ताज तो अच्छा ही है, गेट ऑफ इंडिया भी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पे समुंदर के भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि रंग बिरंगी नाव यहाँ पे खड़ी हुई हैं बोटिंग के लिए। काफ़ी प्यारा मुझे यही सब लग रहा है यहाँ पे देखने में। ताज तो ताज है ही भाई। एक बार यहाँ पे आतंकी हमला भी हुआ था 2006 में, शायद हुआ था आतंकी हमला, काफ़ी लोग मारे गए थे। वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा, कमेंट करिएगा। फॉरनर महाकसम, बहुत पब्लिक है यार। चलिए थोड़ा ताज को और करीब से देखते हैं कैसा दिख रहा था। आज ताज होटल होटल अच्छा, इसी में आतंकवादी हमला 2008 में, शायद 2008 में यहाँ पे आतंकवादी हमला भी हुआ था, तभी से सिक्योरिटी भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है।
मुंबई पुलिस, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। ताज होटल, सबसे प्यारा तुम्हें समुंदर का व्यू लग रहा है, सबसे प्यारा व्यू है ये। 280 इसका, 280 अच्छा। वहाँ से बोटिंग के लिए, यहाँ भी बोटिंग के लिए, वो तरफ जा दिखाओ डार। हाँ, नेक्स्ट मरतब आएंगे तो अभी बोटिंग भी करेंगे, अभी बजट ज़्यादा नहीं है तो। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे यार, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। लेकिन ऊपर कुछ लिखा है, इरेक्टेड टू कॉमरेड द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ देयर इम्पीरियल मजेस्टी किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी ऑन द 2nd of December। अच्छा हाँ, ये मतलब किसी की स्मृति, किसी की याद में बनवाया गया था, कोई ब्रिटिश की कोई महारानी थी तो वो यहाँ पे आई थी, तो उन्हीं की मतलब स्वागत में ये गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। 16वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था। जॉर्ज पंचम नाम के राजा थे ब्रिटिश के, और महारानी मैरी थी, उन्हीं की स्वागत में ये बनवाया गया था। यहाँ पे समुद्री रास्ते से वो लोग ब्रिटिश से यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं की याद में ये बना था। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, बहुत पुराना भी हो गया है। फाइनली पूरा वीडियो शूट कर लिए हैं और यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। तो आप लोगों ने ताज और इंडिया गेट ऑफ इंडिया भी देख लिए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करना बहुत बड़ी बात होती है। शूट करा हो कैसे भी करके, थोड़ा बहुत कैमरा भी बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी शूट। फाइनली पूरा घूम लिए हैं, ताज होटल, गेट ऑफ इंडिया, क्या क्या कैसे कैसे होता है सब देख लिए हैं, क्या कहाँ पर है। तो चलते हैं घर की तरफ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जो भी होगा बताना कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद है कि नहीं पसंद है। फिर नेक्स्ट मरता और कहीं अच्छी जगह चलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, घुमाएंगे क्या है कैसे है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना भाई। चलिए चलते हैं, चलिए इतना काफ़ी, बाय।